नमस्कार, मैं हूँ रूपिका कश्यप। आपका गोरखपुर न्यूज में स्वागत है दिन भर की खबरों के साथ। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू आस्था के प्रमुख मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रांत सह मंत्री शगुन श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहित मंत्री को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की। इस संदर्भ में शगुन श्रीवास्तव ने बताया है कि हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद लड्डू में चर्बी और मछली के तेल की मिलावट की शिकायत सामने आई है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि हिंदू आस्था के केंद्रों पर सरकारी नियंत्रण के कारण इस प्रकार की घटनाएं संभव हो रही है। सरकारी नियंत्रण के चलते मंदिरों में प्रसाद और अन्य सामग्रियों में मिलावट कर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाई जा रही है। साथ ही मंदिरों से प्राप्त धन का दुरुपयोग भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि हिंदू आस्था के इन केंद्रों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर हिंदू समाज को सौंपा जाए। श्रीवास्तव ने यह भी कहा है कि हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, जबकि अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जिससे हिंदू मंदिरों पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और मंदिरों की आय का उपयोग हिंदुओं के उत्थान के बजाय अन्य कार्यों में किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रांत प्रचार प्रमुख श्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा है कि स्वतंत्रता के 77 वर्षों बाद भी हिंदू धार्मिक स्थलों पर सरकार का नियंत्रण अनुचित है और यह संविधान की भावना के विपरीत है। उन्होंने मांग की है कि सभी प्रमुख हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर हिंदुओं को सौंपा जाए। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारें मंदिरों की संपत्ति और आय का दुरुपयोग कर उसे गैर हिंदू और हिंदू विरोधी कार्यों में खर्च कर रही है। उन्होंने कहा है कि संविधान का नाम लेकर हिंदू मंदिरों पर सरकारें घृणित धोखाधड़ी कर रही है, जो कि संविधान की धारा 12, 25 और 26 का खुला उल्लंघन है। इस कार्यक्रम में विभाग मंत्री शीतल मिश्र, उत्तरी जिले के अध्यक्ष विष्णु प्रताप सिंह, दक्षिणी जिले के अध्यक्ष सूर्यनाथ सिंह, विभाग संयोजक बजरंग दल विनोद मिश्र, विश्वजीत साही, देवेश वैश्य, जसंजीत श्रीवास्तव और विश्व हिंदू परिषद के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचार प्रमुख दुर्गेश त्रिपाठी शगुन श्रीवास्तव ने कहा, जैसा कि आपको ज्ञात है, विगत दिनों में तिरुपति बालाजी जैसा प्रतिष्ठित मंदिर, जिसके साथ लाखों लाखों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, वहां पर जो महाप्रसाद वितरित किया जाता है उसमें मांस या अन्य इसके अवशेष मिले, वो प्राप्त हुए। इससे हिंदू समाज बहुत आहत है। आज विश्व हिंदू परिषद ने पूरे भारतवर्ष में एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि वो सारे मंदिरों को जो भी सरकार के पास है और सरकार जिनके नियंत्रण में जिनको रखे हुए है, उसको हिंदू समाज को वापस करे, क्योंकि जब हिंदू समाज के पास वही मंदिर रहेगा तो हिंदू समाज अपने हिसाब से, अपनी आस्था, अपने लगाव के हिसाब से उस मंदिर का संचालन करेगा। सरकार केवल उस मंदिर में आय के साधन का दोहन करने के लिए, उस मंदिर में होने वाले आय के लिए उस मंदिर का अधिग्रहण करती है। जब हिंदू समाज के पास या संत समाज के पास मंदिर रहेगा तो मंदिरों की जो आस्था जो पहले पुरातन समय में चलती थी, मंदिरों से जो सेवा कार्य चलते थे, वो सारे कार्य उस मंदिर के द्वारा होंगे, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर है। आज गोरखनाथ मंदिर ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बड़ा आयाम कायम किया है, वो क्या सरकारी नियंत्रण में संभव हो पाएगा? कोई भी सरकारी नियंत्रण का मंदिर इस तरह के कार्य नहीं करता है। इसीलिए आज विश्व हिंदू परिषद ने पूरे भारतवर्ष में अपने इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से निवेदन किया है कि सरकार शांतिपूर्वक सारे मंदिरों को हिंदू समाज को, संत समाज को वापस करे, उनका संचालन हिंदू समाज या संत समाज करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हिंदू समाज आगे पुनः किसी कठोर कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। दुर्गेश त्रिपाठी, प्रांत प्रचार है कि तिरुपति बालाजी के मंदिरों में अभी हाल ही में उनके लड्डू के प्रसाद में घी के जगह कुछ मछली के तेल और चर्बी मिलाने की घटना प्रकाश में आई है। इसके पीछे एक जो प्रमुख कारण है, हमारे महत्वपूर्ण मंदिरों को पर सरकारी नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण के नाते सारे जगहों पर एक टेंडर पॉलिसी से काम होता है, जिसके वजह से ये विसंगतियाँ आ रही हैं।
आज आज़ादी के 77 साल बाद भी हमारे मंदिरों को सरकार के नियंत्रण में रखा गया है और उसका धनोदोहन कर वहाँ से आने वाले धन का दुरुपयोग विधर्मियों के लिए किया जा रहा है। मैं इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे सारे प्रमुख मंदिरों को हिंदू समाज को वापस करे। अगर वो आराम से विमर्श से बातचीत से वापस नहीं करते हैं तो इसके लिए एक व्यापक आंदोलन किया जाएगा। नाम और पद? मैं सगुन श्रीवास्तव, गोरख प्रांत का। अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। कोतवाली पुलिस ने चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में मांझा और संबंधित सामग्री बरामद की। इस संबंध में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चाइनीज मांझे से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य भर में प्रतिबंध लगाया गया है। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने दुकानदार तनवीर अहमद पुत्र स्वर्गीय हाजिर सुल बख्श निवासी इस्माइलपुर तकिया थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर के पास से 4 बोरी चाइनीज मांझा, 302 चरखी और 340 पैकेट मांझा सहित अन्य संबंधित सामग्री बरामद की। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी सिटी ने कहा है कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगी और चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में नखास चौकी प्रभारी सुनील कुमार, अरविंद कुमार आकांक्षा और कांस्टेबल संजय राजभर शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा, माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश से पूरे भारतवर्ष में चाइनीज मांझे पर बैन है, क्योंकि इस मांझे से ना ही केवल बर्ड्स एवं एनिमल्स को दुर्घटना का शिकार होते हैं परंतु आदमी लोग भी इस दुर्घटना के शिकार होते हैं। इसी क्रम में कल सूचना मिली थी कि कोतवाली सर्कल अंतर्गत 2 दुकानों पर चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। इसी क्रम में दोनों थाने द्वारा कार्रवाई की गई एवं जितना मांझा था उसको जब्त कर लिया गया है एवं अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, इससे कई लोग घायल भी हुए थे, पुलिस सतर्क है। जहाँ जहाँ सूचना मिलेगी ऐसे मांझा बेचा जा रहा है वहाँ वहाँ कार्रवाई की जाएगी एवं जांच में ये पता किया जा रहा है कि होलसेल में मांझा कहाँ से आ रहा है उन पे भी कार्रवाई। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त था AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट, एडमिशन ओपन इन BTech कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772। महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है जिसका सत्र इस साल 24-25 तक आरंभ होने जा रहा है। हमारे पास 6 डिसिप्लिन है, 6 तरीके के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा ये 3 कन्वेंशनल हैं, बाकी 3 बड़े स्पेशलाइज्ड बीटेक के कोर्सेज हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग के इस इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होने जा रही है जिसमें रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जाएंगे और बच्चों को इस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा कि वो रेडी फॉर द इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ की खूबी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ट्रेंड फैकल्टी है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिससे कि बच्चों को प्लेसमेंट में सुविधा मिलेगी और अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में उनको आसानी। रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के तहत फरार चल रहे 3 अभियुक्तों पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इस संबंध में CO कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया है कि रामगढ़ ताल पुलिस ने 3 अभियुक्तों पर इनाम घोषित किया है जिनकी पहचान सलमान उर्फ सोनू पुत्र अजीज निवासी वार्ड नंबर 1 अहरीपुरवा गजफ्फरनगर जग्गीपुर थाना जनपद गाजीपुर, दूसरा नसीम खान इमामुद्दीन शाह पुत्र सलीम शाह निवासी कट्टनवास शेख टोला थाना पड़रौना जनपद कुशीनगर, तीसरा मोनू शेख उर्फ वाहिद रजा पुत्र सगीर आलम निवासी लाला
गुरवलिया थाना, तुर्कपट्टी जनपद, कुशीनगर, इन तीनों अभियुक्तों पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा, ये रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में 241/24 गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें से 3 अभियुक्त जो अभी वांछित चल रहे हैं, मोनू शेख, इमामुद्दीन और नसीम, इनके ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। परिवहन निगम की बसों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक नया उपकरण लगाया गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी लव कुमार सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की कई बसों को इस उपकरण से लैस किया गया है। विशेष रूप से रात में लखनऊ, दिल्ली, आगरा और कानपुर जाने वाली लगभग 150 बसों में यह उपकरण लगाया गया है। यह उपकरण स्टीयरिंग के पास लगाया जाएगा। इस उपकरण में एक सेंसर लगा है जो ड्राइवर की गतिविधियों पर नजर रखेगा। यदि ड्राइवर 45 सेकंड तक कोई गतिविधि नहीं करता है तो उपकरण में स्लीपिंग अलार्म बजेगा, जिससे ड्राइवर अलर्ट हो जाएगा। साथ ही डिपो के अधिकारियों को भी एक अलार्म प्राप्त होगा। इस उद्देश्य के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस नए उपकरण से रात में होने वाली दुर्घटनाओं पर काबू पाने में मदद मिलेगी और ड्राइवर हमेशा सतर्क रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी लव कुमार सिंह ने कहा, जितना भी हमारी नाइट सर्विस की बसेज है उत्तर सड़क परिवहन निगम की, इसमें कुछ बसेज चिन्हित की गई है, जिसमें लगभग 150 बसेस फिलहाल अभी जो हमारे क्षेत्र की हैं वो चिन्हित हैं, जो रात में लखनऊ और दिल्ली की और अन्य क्षेत्र जो आगरा और कानपुर जाती हैं, इसमें इन सब बसेस में डिवाइस लग गए हैं और इनके साथ जो डिवाइस है उसमें एक सेंसर लगाया गया है जो ड्राइवर के मूवमेंट को सेंस करता है। जैसे ही ड्राइवर का मूवमेंट लगभग 45 सेकंड तक नहीं होता है तो उसको वो एक स्लीपिंग अलार्म जनरेट करता है, जो ड्राइवर के पास एक बजर लगा होता है वो बजेगा, जिससे कि ड्राइवर अलर्ट हो जाए। साथ ही साथ मोबाइल ऐप में जो अधिकारी हैं उस डिपो के, उनके पास भी एक अलर्ट आएगा और कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है, ये अभी प्रगतिशील है, ये जल्दी बन जाएगा। तो ये पूरा एक जो है कवायद इसलिए है कि रात में जो एक्सीडेंट्स हैं उनको बचाया जा सके और उस घटनाओं के प्रति ड्राइवर की सतर्कता बनी रहे। ये ड्राइवर के जो स्टीयरिंग व्हील होता है उसके सामने ही लगाया गया है और वो बराबर मूवमेंट को सेंस करता रहता है। जैसे ही उसको डिवाइस में जो प्रोग्रामिंग फीड है उसको जैसे ही लगता है कि ड्राइवर को झपकी आ रही है या झपकी आने वाली है, उसको सेंस करता है और वो अलर्ट करता है। नहीं, कैमरा नहीं लगा है, वो सेंसर लगा है। हाँ, वो सेंसर बेस्ड। गोरखपुर क्षेत्र से कुंभ मेले के लिए 2100 बसें लगाई जाएंगी। इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी लव कुमार सिंह ने बताया है कि कुंभ मेले को लेकर परिवहन निगम ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए 30 सितंबर को एक बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया है कि गोरखपुर क्षेत्र में कुल 850 बसें हैं, जिनमें से 390 बसें विशेष रूप से कुंभ के लिए लगाई जाएंगी। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों की बसों को भी कुंभ में सेवा के लिए लगाया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि कुंभ में किसी भी यात्री को यात्रा के दौरान कोई भी असुविधा ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी लव कुमार सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की अपनी तैयारियां पूरी हो रही हैं। इसके लिए एक विशेष बैठक भी है अगले 30 तारीख को। हम लोग की जो तैयारी है फिलहाल उसमें यह है कि हमारे क्षेत्र की लगभग 850 बसेज हैं, जिसमें से 390 बसेज स्पेशली कुंभ के लिए लगाई जाएंगी। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों की भी बसेज यहाँ पे जो कुंभ के जो पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे पिछले अनुभव रहे हैं, उसमें स्पेशली कौड़ीराम, बड़हलगंज और जो बांसगांव वाला एरिया है, उसके अलावा मुखलिसपुर, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे बसेज हम लोग स्टेशन करके रखेंगे। तो कुल हमारी जो लगभग 400 बसेज और अन्य क्षेत्रों की मिला के लगभग 2100 बसेज कुंभ के लिए हमारे क्षेत्र से